मेरा जन्म रायपुर में हुआ. देन आई शिफ्टेड टू ओडिशा ड्यू टू माई फादर्स जॉब. तो वहाँ पे बहुत पेड़ थे, नेचर ब्यूटी बहुत है. जब भी मम्मी मुझे डांटती थी तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता था और बटरफ्लाईज, बर्ड्स, हनी बीज सब कुछ मैं देखता था. तो पहले से सॉफ्ट कॉर्नर था. मार्क्स अच्छे मिलने के कारण मुझे कॉर्पोरेट में जॉब लगी मुंबई में. वहाँ पे पूरा कॉन्क्रीट जंगल था, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स. मैं नेचर को वहाँ पे मिस करता था. तो मैं वीकेंड को क्या करता था, मैनग्रोव फॉरेस्ट में जाता था और बहुत बार ट्रेकिंग पे भी जाता था. 2011 में मैं अन्ना मूवमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ था. वहाँ से मुझे लगा कि कुछ लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहिए. उसी टाइम इंसिडेंस ये हो गया कि 2013 मैंने फ्लैट लिया था पुणे में और मैं वीकेंड को पुणे आता था. उस टाइम मेरा जॉब ऑलरेडी चल रहा था. सोसाइटी में बहुत बड़ा छट्टा आया हुआ था, लोगों ने पेस्ट कंट्रोल के थ्रू मधुमक्खियाँ मार दी थी. मैंने सोचा कि हनी बी को कोई क्यों बचाता क्यों नहीं है. वन वीक बाद मैंने रियलाइज़ किया क्यों ना समथिंग शुड बी आई ओनली, मैं ही क्यों ना हनी बी कंजर्व करने लग जाऊँ. हाय, आई एम अमित गोडसे. आई एम अ हनी बी कंजर्वेशनिस्ट. वी रेस्क्यू एंड रिलोकेट हनी बीज इन इंडिया. वी ट्रेन ट्राइबल्स एंड फार्मर्स ऑन बी कीपिंग एंड मॉडर्न मेथड ऑफ हनी हार्वेस्टिंग. वन वीक बाद मैं वापस मालेगांव गया था ऐसे घूमने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने के लिए. तो वहाँ पे मधुमक्खी के बक्से रखे हुए थे, तो उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ के हनी बीज के बारे में ज़्यादा पूछने लग गया. हनी बीज कैसे बॉक्स के अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है. फिर मैं घर आया, घर आके थोड़ा मैंने रिसर्च किया क्या क्या हनी बीज के ऊपर इंडिया में चल रहा है. तो उस टाइम मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि हनी बी हर जगह मर रही है. हर सिटी में लोग पेस्ट कंट्रोल के थ्रू हनी बीज मार रहे हैं, या ट्रेडिशनल जो हंटर्स हैं उनके थ्रू हनी बीज को जलाया जा रहा है और हनी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है. एक सेंटर में इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली. उसके बाद महाबलेश्वर में मैं गया, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली. फिर मैं बहुत जगह घूमा हनी बीज के लिए. मैं उड़ीसा गया, झारखंड गया, केरला गया, फिर गुजरात गया, महाराष्ट्र में बहुत सी जगह मैं घूमा. इंडिया में 5 स्पीशीज की हनी बीज मिलती हैं और हनी बीज का हैंडलिंग टेक्निक अलग अलग है. तो खाली जो बड़े बीज हैं, एपिस डॉर्सेटा बोलते हैं या रॉक बीज, इन हनी बीज को हम रिलोकेट नहीं कर सकते. बाकी जो 4 स्पीशीज हैं उनको हम रिलोकेट कर सकते हैं. लोगों को लगता है कि हनी बीज जो हैं, हनी जो है इंसानों के लिए पैदा करती है, पर ऐसा नहीं है. हनी बीज हनी जो है खुद के लिए पैदा करती है, पर अगर उनको 100 केजी हनी चाहिए तो वो 300 केजी स्टोर करके रखती है अपने हाइव में. हम क्या करते हैं जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे एक्सेस जो 2/3 जो पार्ट है उसको हम खाली हार्वेस्ट करते हैं, 100 केजी जो बचा हुआ जो हनी है वो हनी बीज के लिए रख देते हैं. ये जो बक्से जो हैं या फिर जो हम लोग बीज रिलोकेट किए हैं, इन बीज को हम आइदर फार्मर्स को डोनेट कर देते हैं या पुणे में बहुत से लोग अर्बन फार्मिंग करते हैं, उनको बीज की ज़रूरत रहती है पॉलिनेशन के लिए. तो ये जो बीज हैं हम उनको दे देते हैं, जिससे उनका जो टेरेस फार्म है या फार्मर का जो फार्म है उनका पॉलिनेशन अच्छे से हो जाए, उसके साथ उनको हनी भी मिल जाए. इंसानों को लगता है कि हनी बीज उनकी दुश्मन है, पर फैक्ट ये है कि हनी बी जो है इंसानों की दोस्त है. क्योंकि जो भी आप प्लेट में खाना खा पाते हो 1/3 पार्ट आप हनी बीज के कारण खा पाते हो. इस दुनिया का जितना पॉलिनेशन होता है पेड़ों का, 73% जो पॉलिनेशन है वो हनी बीज करती हैं. मतलब जब आप एक चम्मच हनी खाते हो उसमें 12 हनी बीज की पूरे जीवन भर की कमाई रहती है. जब एक सोसाइटी से हनी बी का छत्ता मारा जाता है पेस्ट कंट्रोल के थ्रू, सोसाइटी मेंबर्स को लगता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पर ऐसे वर्ल्ड की दृष्टि से देखा जाए तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है. क्योंकि ये जो हनी बीज हैं वो माइग्रेटरी बीज रहती हैं, कभी सिटीज़ में रहेंगी, कभी फार्मलैंड में जाएंगी, कभी फॉरेस्ट में जाएंगी. जब सिटी में मक्खियों को मारा जाता है तो ये जो बीज है माइग्रेट नहीं हो पाती फार्मलैंड में. और ऐसे माना जाता है कि जब हनी बीज का एक छत्ता हम मारते हैं तो पूरे गांव उध्वस्त करने जैसा है. क्योंकि एक हनी बी का छत्ता ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रेडियस में पॉलिनेशन सर्विस करता है. जब हनी बीज नहीं रहेंगी फार्म में तो अच्छे से पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा,
पॉलिनेशन नहीं होगा तो फार्म प्रोड्यूस बहुत कम आएगा, तो फार्म प्रोड्यूस नहीं मिलने के कारण फार्मर डिस्ट्रेस में रहते हैं, और वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर फार्मर सुसाइड इज ऑल्सो हनी बीज। इसलिए हनी बीज का संवर्धन जरूरी है, केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि इस पृथ्वी के लिए।